हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। राजा बनने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है, गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए, इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों? क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में से कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के इस अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए, उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक के वो पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वो ना आए तो मैं भी राजा का नहीं, उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जे श्रीराम ने पिता के अपने मुख से ना कहने पर भी पिता के वचन की आन रखने के लिए एक भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उस श्रीराम का छोटा भाई होकर यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने बड़े भाई का राज हड़प कर जाएगा? राज्य पर केवल बड़े का ही अधिकार है। श्रीराम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ है, केवल वही इस राज्य के अधिकारी है। जो वस्तु अपनी नहीं उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं मुझे यह पाप करने की आज्ञा न दे जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्यसभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं, अयोध्या के राजा केवल राम है। वो इस वक्त जहां भी हैं, उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य, तुम धन्य हो भरत।
तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्यात्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं हुआ। तुम राजाओं के राजा हो भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय।